हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये मेरा नवमी वाले दिन का हाफ ब्लॉग बचा हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं उस दिन भगवान का भोग मैंने बना लिया था कन्याओं को जिमाने के लिए। माता गौरी, माता लक्ष्मी सभी हमारे घर आएंगी, तो उन सभी का भोजन मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब मैं माता की पूजा कर रही हूँ। हम तीनों मिलके परिवार सहित माता महागौरी को मना रहे हैं और उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं। और इस समय 10:30 बज चुके हैं, बल्कि 11:45 ही हो गए हैं। और हम लोग अपने घर की पूजा पाठ करने के बाद कन्याओं का इंतजार करेंगे। जैसे ही हमारी कन्याएं जो हैं वो हमारे घर विराजेंगी, हम उनकी अर्चना पूजा करेंगे और उसके बाद उनको भोजन कराएंगे। आज महानवमी तो है ही, साथ ही साथ रामनवमी भी है। तो रामनवमी जिस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उसी प्रकार रामनवमी राम का जन्म होता है, जन्म दिवस होता है। तो उन्हीं के लिए हम ये रामनवमी का पवित्र पर्व मनाते हैं और पूरे देश में बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे तरीके से रामनवमी मनाई जाती है। तो हमारे इष्ट देव भगवान राम कृष्ण जो हैं, तो आज के दिन जो है उनका जन्म हुआ था, इसीलिए हम उनके जन्मोत्सव के रूप में रामनवमी मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन पूजन भजन भंडारे होते हैं सब जगह, और राम जी की झांकियां कई जगह निकाली जाती हैं। तो इसी तरीके से रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। तो उसी कड़ी में हम लोग भी माता की पूजा कर रहे हैं, श्री राम दरबार की पूजा कर रहे हैं परिवार के सहित। और लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हमने जो कन्याएं हैं वो जिमा नहीं पाई थी, तो इस समय जो है इस टाइम हम लोगों ने टाइम निकाल कर और माता ने ऐसी कृपा करी कि फिर कन्याएं जो है वो हम लोग को मिल गई और हमने सारी तैयारियाँ भी कर ली। तो लास्ट टाइम हमसे हो नहीं पाया था, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ था कि इस बार हमने कन्या को जिमा नहीं पाया है। मन भी एकदम बहुत ही ख़राब हो गया था, लेकिन अब इस बार हम लोग बहुत ही मान सम्मान से, आदर से, भाव से कन्याओं को जिमा रहे हैं। भोजन सारा तैयार कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मैंने खीर पूरी और आलू मटर टमाटर की सब्जी बनाई है, तो सारी चीज़ें। तो बस मैं पूजा कर चुकी हूँ, होम धूप और आरती सब कुछ हो चुका है। बस मैं कन्याओं का आने का वेट कर रही हूँ। जो हमारे यहाँ कन्याएँ छोटी छोटी आएंगी तो हम उनका पूजन करेंगे, उसके बाद ही फिर भोजन वगैरह सब खिलाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहली कन्या जो हमारी आ चुकी हैं, हमारे दरवाजे पर माता ने दस्तक दे दी है। तो सबसे पहले मैं माता को पूजन करके, उनको चुन्नी उड़ाकर उनका पूजन करके उनको अंदर लूँगी और एक एक करके सारी कुंवारी जो है हमारे यहाँ आएंगी और मैं सभी का, छोटी छोटी बच्चियों का पहले पूजन करूँगी और उनको फिर अंदर लेके उनका विधि विधान से पूजा अर्चना करके उन्हें भोजन दे के मैं धन्य हो जाऊँगी उनकी कृपा प्राप्त करके। तो रचना जो है अपनी बेटी को गुड्डों को लेके आई हैं और मैं बस आरती पूजा कर रही हूँ उनकी। और धीरे धीरे करके सभी कन्याएं आने लगेंगी, क्योंकि नवमी पर क्या होता है दोस्तों, बहुत जगह कन्याओं को जाना होता है, तो वो जो है थोड़ा टाइम लगाती ही हैं आने के लिए। तो सबसे पहले हमारी गुड्डो ही आ चुकी हैं। इनको मैं उनके पैर वगैरह धोकर साफ करके इनको अच्छे से पोंछ कर इनके पैरों में मैं मावर लगाऊंगी। मुझे मावर लगाना और बच्चों को भी लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और माता को के चरणों में मावर लगाऊंगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा धन्य हो जाऊंगी। और साथ ही साथ हमारे लंगूर हमारे यहाँ बोलते हैं और हनुमान जी भी बोलते हैं, माता के भक्त जो हैं बॉयज़ भी, लड़के भी बुलाए जाते हैं, तो उनको भी बिठा रखा है हमने। ये मैं गुड्डों को मावर लगा रही हूँ और अभी दो कन्याएं ही आई हुई हैं, धीरे धीरे करके बढ़ती जाएंगी जब तक मैं इनको मावर लगा देती हूँ। कन्याओं को माहवर लगाने के बाद उनके पैर कितने सुंदर लग रहे हैं। इन चरणों में मेरा बहुत बहुत नमन, इन चरणों की कृपा मुझे मिलती रहे। ये हमारी तीसरी कन्या आ चुकी हैं। इनको भी मैंने चुनरी उड़ा दी है और साथ ही साथ इनको चुनरी उड़ाने के साथ मुझे एक बहुत प्यारा सा भजन याद आ रहा है दोस्तों। मैं आपको चार लाइनें सुनाती हूँ। ओढ़ी ओढ़ी मेरी माँ ने ओढ़ी लाल चुनरी, ओढ़ी ओढ़ी मेरी माँ ने ओढ़ी लाल चुनरी।
लाल चुनरी वो सितारों से जड़ी, ओढ़ी ओढ़ी मेरी माँ ने ओढ़ी लाल चुनरी। ये हमारी छोटी सी मैया हैं, छोटी सी हमारी माता हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रो रही थी मावर लगाने में, क्योंकि जानते नहीं हैं बच्चे, छोटे से बच्चे हैं। तो मैंने उनका भोजन जो है उन्हें दे दिया है, उनकी दक्षिणा भी दे दी है। अब ये कन्याएं जो हैं आ चुकी है हमारे यहाँ अपना आशीर्वाद देने के लिए, और मैं बिठा रही हूँ सबको। हालांकि जगह थोड़ी कम है, तो एडजस्ट करके मैं बिठा रही हूँ। दिल में बहुत जगह है पर कमरे में थोड़ी सी कम है। तो मैं जितने भी हमारे हनुमान जी हैं, हमारे लंगूर हैं, हमारे लड़के हैं, जो उन्हें मैंने सबको बेड पर बिठा दिया है और कन्याओं को उनके आसन पर बिठाया है। अब मैं धीरे धीरे करके इनके पद प्रक्षालन यानी कि उनके पैर धोऊंगी, और उसके बाद फिर सभी को बारी बारी से भर लगाऊंगी, टीका लगाऊंगी, आरती उतारूंगी। उसके बाद फिर भोजन इनको कराऊंगी, बहुत ही भाव से, बहुत ही प्रेम से, स्नेह से। बहुत सी लड़कियां इसमें, पता है दोस्तों क्या बोल रही थी, कि मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं, मैंने आपको वीडियोस देखे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ चलो मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक दो लड़कियों ने आते से ही बोला कि मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, तो बहुत खुशी हुई दोस्तों। हमारे यहाँ यूपी में सबसे पहले कन्याओं के पद जो है प्रक्षालन किए जाते हैं, उनके पैर जो है धोए जाते हैं। उन पैरों का जो पानी होता है वो अपने घर में छिड़का जाता है, और उनका चरणामृत जो है उसको पिया जाता है। अब हमारी श्रुति भी आई हैं, अब दोबारा से गुड्डों के लेके आई हैं, अपनी समायरा को लेके आई हैं। वो पहले तो रो रही थी, फिर उसके बाद फिर उसको लेके आई हैं, तो मैं उनको भी मावर लगा रही हूँ। बारी बारी से सभी लड़कियों को मैंने लगा दिया है। बहुत ही सुंदर पैर माताओं के लग रहे थे, तो सबको मैंने मावर लगा दिया है, प्लेट दे दी है, और मैं सबको खाना खिलाऊंगी मावर लगाने के बाद। और वही आरती पूजा, उनका खाना वगैरह सब कुछ, और दक्षिणा वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हमारे यहाँ छोटी छोटी माताएँ विराजी हुई हैं। आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही कन्या भोज करा जाता है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हमारी कन्याओं के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखकर भेजिएगा। और हाँ दोस्तों, लक्ष्य बोल रहे हैं कि बॉयज़ के लिए भी कुछ ना कुछ लिखकर ज़रूर भेजिएगा। एक छोटी सी कन्या और है, ये भी एकदम नन्ही सी प्यारी सी है, तो मैंने इसका भी भोजन इसकी प्लेट में लगा के दे दिया है, दक्षिणा वगैरह सारा कुछ दे दिया है। क्योंकि बच्चियाँ जो हैं डरती हैं, छोटी छोटी हैं तो समझ नहीं पाती हैं, तो मैंने उनको तिलक करके उनका प्रसाद भोजन सारी चीज़ें दे दी हैं। बड़ी लड़कियाँ जो हैं वो अच्छा अपना खा रही हैं, उनको दक्षिणा वगैरह सारी कुछ दी जाएगी। और इस तरीके से हमारा आज का ये कन्या पूजन का ब्लॉग था दोस्तों। तो हमारी कन्याओं के लिए आप सभी को इंसिस्ट मैं बोल रही हूँ कि आप सभी को लाइक करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ कन्याओं ने क्या किया कि खीर जो है खीर का ही प्रसाद लिया और बोला कि आंटी खीर बहुत अच्छी बनी थी, इतनी खुशी हुई फ्रेंड्स, जैसे माता दुर्गे ने साक्षात ही मेरा भोजन जो है वो ग्रहण कर लिया है और वो तारीफ़ कर रही हैं। तो मेरी तो सारी मेहनत जो है वो कारगर हो गई, और मैंने जितने दिल से और मन से भोजन बनाया था हमारी कन्याओं के लिए, उन्हें पसंद आया। सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि आंटी भोजन बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो कन्याओं को बहुत जगह जाना भी था, बहुत जगह से आई भी थी, तो जितना भी पाया उनने, जितना भी भोजन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिंगर खूब खाए हमारी कन्याओं ने। तो इस प्रकार आज का हमारा ये रामनवमी का ब्लॉग था। मैं सबको दक्षिणा दे रही हूँ, फल प्रसाद दे रही हूँ, सारी चीज़ें। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ दोस्तों पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी खुशबू इंदौरी को अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा।